What is the law of karma? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि लॉ ऑफ कर्मा क्या नहीं है. ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और मेरे साथ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो मेरे अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है. जो आपके साथ में हो रहा है, हो सकता है उसका आपके कर्मों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो. अब मैं क्या करूंगा, अब बोल करके नहीं, प्रैक्टिकली यहां पर कुछ करके आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए मुझे दो वॉलंटियर्स चाहिए. दो वॉलंटियर्स, पहले सुन लो कि करना क्या है. एक को मारना है, एक को मरना है. अब बताओ कौन आना चाहेगा. एक आप आ जाओ, रेड रेड शर्ट. हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. एक ऊपर से, हाँ ये ब्लू शर्ट वाले जो आप अपने हाथ ऊपर किया हुआ है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. हाथ मिला लेंगे आप में से. आइए इधर, आइए इधर, आइए. व्हाट्स योर नेम? अजय नारायण शुक्ला. अजय नारायण शुक्ला जी, और आपका क्या नाम है? देवेंद्र. ओके, अब देखिए करना क्या है, बड़ा सिंपल है. हथियार कहाँ है? हम ऊपर से मारेंगे. आप मारोगे? आप मरने के लिए तैयार हो? तैयार हो? क्या बात है, प्रैक्टिकली. नहीं ये सही में मार देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा. आई एम नॉट किडिंग. आएंगे यहाँ से भागते हुए और ये लेके खच ऐसे मारेंगे आपको. आप तैयार हो? यस. इनकी रिकॉर्डिंग पास के पुलिस स्टेशन में भेजनी है कि कितना बड़ा कातिल छुपा हुआ है इनके अंदर. ध्यान से देखिए इस आदमी को. यही है वो आदमी जो चाकू लेकर के घूमता है लोगों को मारने के लिए, भोले भाले लोगों को. तैयार हैं आप? देख लो ये थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं मुझे, ये मजाक नहीं कर रहे हैं. अब जब मरना है तो मर ही जाएंगे ना. क्या बात है, क्या बात है. ये है, जिएंगे शान से, मरेंगे शान से. तो ठीक है, जब तक ये मर नहीं जाते मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ बाहर जाके, मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ जो भी है. तो आप इनको मार दो पूरी तरह से. हाँ पूरी तरह से खत्म कर दो इनको, काट दो, मार दो. जब मर जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो शुरू करो. और रुक जा भाई, रुक जा. कुछ पता नहीं होता कौन इमोशनल हो जाए. आसान है, आसान है करके घुसा दे. ब्लाइंड फोल्ड लेकर के आ जाओ. चाकू आंख में ना लग जाए आपकी, आराम से. अब चुप रहिएगा आप लोग, कोई भी एक्सप्रेशन मत दीजिएगा. इनको पता नहीं होना चाहिए कि इनके साथ में क्या हो रहा है. कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, आंख बंद रखिए अंदर भी. आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए. आप यहाँ खड़े हो जाइए, बड़े आराम से, कुछ बोलना नहीं है. इसको आराम से पकड़ लीजिए. आप आखिरी बार अपनी फैमिली से कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद तो आप शादीशुदा हैं या मतलब आपकी मैरिज हो गई? नहीं मैरिज नहीं हुई. मैरिज नहीं हुई है तो मतलब आपकी मदर जेल में आपके लिए खाना लेके आया करेगी. एक मिनट, आपके हाथ से कुछ होने वाला है. आप ज्यादा कुछ मत करना, जो करूंगा मैं करूंगा. ये इनका पेट है. ओए ओ भाई, ये ऐसे कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना. हाथ आपका है, खून मैं कर रहा हूं, पेट इनका है, पेट इनका है. अभी पैंट तो गीली नहीं हो गई? नहीं अभी तक नहीं हुई. ये इनका पेट है, ठीक है? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से. इसमें फिंगरप्रिंट्स के निशान है. देख लो क्या किया आपने. अरे ये तो जिंदा फाड़ दिया आपने. ये बहुत ही सिंपल सा लाइव एग्जांपल अभी आपने देखा है, जिसको अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, किसी थ्योरी के बेस पे नहीं, प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली, एक्चुअली जो यहां पर हुआ है उसको देख करके अगर आप समझेंगे तो लॉ ऑफ कर्मा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच अजय.
ओके ओके जी ठीक हो आप। अब देखिए, अब मैं सिंपल सिंपल से आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं कि ये जो बलून था जो फटा है, ये जो है जो बचा कुछ आप देख रहे हैं, इसने कोई बुरा कर्म किया फटने के लिए? तीन चीजें हैं जिसको कर्म बोलते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से कर रहे हैं, एक है जो हम बोल करके कर रहे हैं, एक है जो हम सोच करके कर रहे हैं। तो क्या इस बलून ने फटने के लिए, या इस बलून को हटा दो, इसकी जगह पे एक आदमी था जिसका सर फटा है, उसने कुछ सोचा? अगर उसने सोचा होता कि मुझे सुसाइड करना है और फिर वो चाकू उसके सर में लगा होता, तो आप कहते हो उसके कर्म की वजह से उसको फल मिला। उसने कुछ नहीं सोचा, वो आराम से खड़ा हुआ था। सोचा किसी और ने, हाथ किसी और का था, किया किसी और ने। ध्यान से देखो क्या हो रहा है इस दुनिया में। जिस काम में, काम मतलब थॉट, जब भी मैं कर्म की बात कर रहा हूं या काम की बात कर रहा हूं, मैं थॉट्स की बात कर रहा हूं। जिस काम के पीछे आपका कोई मोटिव है, कोई इंटेंशन है, कोई लालच है, वो कर्म है। और जहां पर आपका कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, और जो काम आप जानबूझ करके नहीं करते, वो कर्म नहीं है भाई, वो अकर्म है। अकर्म मतलब कि वो कर्म है ही नहीं, दैट इज नॉट योर कर्मा। हमारी बॉडी के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों फंक्शंस इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सांस की बात करी जाए, जब तक सांस अपने आप चल रही है, क्या वो आपका कर्म है? नहीं है। डाइजेशन अपने आप हो रहा है, कोई कर्म है? कुछ नहीं है। लेकिन जहां आप प्राणायाम करते हो, अपनी सांस को तेज या धीरे करने की कोशिश करते हो, वो आपका कर्म है, जिसकी वजह से आपको फल मिलने वाला है। तो जहां आप जान करके कोई कर्म करते हो, मतलब कि आपकी अवेयरनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो कर्म है। और जहां पर आप जानबूझ करके कोई कर्म नहीं करते, कोई आपका हाथ पकड़ के जबरदस्ती करवा देता है और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, वो ना आपका अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म। तो इस सिंपल से एग्जाम्पल में चार तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। एक वो बलून जो फटा, मान लो किसी का सर था जो फट गया, जिसने कोई बुरा कर्म नहीं किया। दूसरा वो जिसके हाथ में चाकू था, जिसने एक्चुअल में उस बलून को फोड़ा, क्या उसने कोई कर्म किया? नहीं किया। उसको तो पता ही नहीं था बेचारे को कि वो कर क्या रहा है, वो उसका भी कर्म नहीं था। तो किया किसने? यहां पर जो मैं खड़ा हुआ था, मैंने किया। अब सवाल उठता है, यहां तक क्लियर हो गया कि कर्म कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा? फिर हम आएंगे अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, और उसको बदला कैसे जाए। कि इसने कर्म नहीं किया, इसने नहीं किया, जो किया वो इधर से मैंने किया। और उसके पीछे सिर्फ एक चीज देखी जाती है जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म, वो है मेरी इंटेंशन। कि जो मैंने किया, मेरी इंटेंशन क्या थी ये करने के पीछे? अगर मेरी इंटेंशन थी कुछ बुरा करने की उस आदमी के साथ में, कि उसकी जेब में पैसे पड़े हुए थे और उसको मार करके मुझे उसको पैसे को लेकर के भागना था, अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, जिससे सामने वाले का चाहे नुकसान होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या है? बुरा कर्म है, बुरा कर्म है। उसके फल कैसे मिलते हैं अभी उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन एक बात यहां तक क्लियर होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कि हमारी इंटेंशन मारने वाले की अगर खराब है तो वो कर्म बुरा है। दूसरी तरफ से मैं यहां पर हूं और मैं एक डॉक्टर हूं, इंटेंशन क्या है मेरी? अच्छी है, उसको नुकसान पहुंचाने की तो नहीं है ना, उसके साथ कुछ भी गलत करने की तो नहीं है ना, तो वो कर्म क्या हुआ? अच्छा कर्म हुआ। यहां तक तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब इसके आगे देखो, थोड़ा सा मैं और डीप में जा रहा हूं। डू यू वॉन्ट मी टू गो डीपर या फिर टॉपिक चेंज करें? सारा खेल सिर्फ इंटेंशन का है, आउटकम का नहीं है। मैंने उस आदमी से उसके पैसे को छीनने के लिए उसको मारा और वो बच भी गया, तब भी वो बुरा कर्म है मेरा। और मैं डॉक्टर हूं,
मेरी इंटेंशन है उसको बचाने की, उसका कुछ अच्छा करने की, और वो मर भी गया तब भी वो अच्छा कर रहा है। आउटकम से कर्म का कोई कनेक्शन नहीं है भाई, कोई कनेक्शन नहीं है। कर्म का फल कुछ और है, बीज का फल कुछ और है। बाहर जो हो रहा है वो नहीं है, जो अंदर हो रहा है वो है। जो खेल अंदर शुरू हुआ है, जो अंदर ट्रिगर हुआ है, उसकी वजह से या तो आपको सुख होने वाला है या दुख होने वाला है, या आप कॉन्शियसनेस के स्तर पे ऊपर उठने वाले हो या नीचे और गिरने वाले हो। बाहर क्या हो रहा है डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब सोचो किसी को ये खेल समझ नहीं आया, अब वो क्या करेगा, क्या करेगा? जिसके साथ ये हुआ वो जिंदगी भर रोता रहेगा। जिसका सर फटा, मान लो वो बच गया सर फटने के बाद में, वो रोता रहेगा कि मैंने जरूर कोई कर्म किए होंगे, मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे। अब तक उसने कोई कर्म नहीं किया था, लेकिन ये जो हुआ उस पर जो उसका रिएक्शन है वो उसका कर्म है। कि अभी तक उस आदमी ने कोई कर्म नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचना शुरू किया कि जरूर मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मेरे साथ में यह हुआ, तो अब उसने बुरा कर्म कर दिया, क्योंकि यह कर्म उसको नीचे गिराता चला जाएगा अपनी ही नजरों में और दुनिया की नजरों में। उसकी पावर्स को खत्म करता चला जाएगा, उसको अंदर से तोड़ता चला जाएगा। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है, जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म है। सबसे अंधविश्वास पैदा होता है। सोचो अगर उसके दिमाग में ये थॉट आया एक सेकंड के लिए, जरूर मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तो सबसे पहले क्या करेगा? किसी साधु महात्मा के पास में जाएगा, किसी पंडित के पास में जाएगा कि भैया मेरे और भी कोई बुरे कर्म होंगे, कहीं इससे भी बुरा कुछ और ना हो जाए, आप जल्दी से उसको ठीक करो। मंदिरों में जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, मस्जिद में जाएगा, पता नहीं कहां कहां जाएगा, क्या क्या करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को गिराता ही चला जा रहा है, अपने आप को गिराता ही चला जा रहा है। और उसके साथ कुछ भी और गलत होगा तो वो आकर के सीधा अपने आप को यही बोलेगा कि जरूर मेरे और कुछ बुरे कर्म होंगे जिसकी वजह से ये हुआ। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमारे अंदर डर पैदा होता है वो बुरा कर्म है, और कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हम निडर हो जाते हैं वो अच्छा कर्म है, अंदर से, बाहर से नहीं। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमारा गुस्सा बढ़ता है वो बुरा कर्म है, जिसको करने से हमारा गुस्सा कम होता है वो अच्छा कर्म है। जिससे हमारी मन की शांति, मतलब कि हमारा माइंड पीसफुल होता चला जाता है वो अच्छा कर्म है। जिससे हमारा माइंड अंदर से जलने लगता है, दिल जलने लगता है, बदला लेने का मन करता है, किसी का कुछ बुरा करने का मन करता है, अपने फायदे के लिए किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने का मन करता है, वो सब क्या है? बुरा कर्म है। मतलब कि जिस कर्म को करने से आपका दिल छोटा होता चला जा रहा है वो बुरा कर्म है, और जिस कर्म को करने से आपका दिल बड़ा होता चला जा रहा है वो अच्छा कर्म है। और यही कर्म का सबसे बड़ा फल है। देखो कर्म का फल क्या है, एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है, और देखो किस तरीके से मिलता है। जिस आदमी ने, जिसकी इंटेंशन खराब थी और अपने फायदे के लिए उसने जाकर के उसको मारा, अब क्या होगा? उसने कुछ बुरा सोच लिया ना किसी के लिए, तो धीरे धीरे उसकी ये आदत बन जाएगी। कोई और उसको सजा नहीं देगा, ये मत समझो बाहर से कोई और पावर आएगी आकर के उसको सजा देगी, जरूरत ही नहीं है। वो खुद नीचे धंसता चला जाएगा, खुद नीचे गिरता चला जाएगा। उसको फल मिलेगा नहीं किसी फ्यूचर में, मिलना शुरू हो गया, साइकिल घूम गई, उसका माइंड एक गलत डायरेक्शन में जा चुका है ऑलरेडी। अब उस गलत डायरेक्शन में जितने भी वो गलत काम करता चला जाएगा, उसके वो एक्सपीरियंसेस, उसके बिलीव्स बनते चले जाएंगे और गहराई तक उसके अंदर बैठते चले जाएंगे, और जैसे उसके बिलीव्स होंगे वैसा ही वो खुद होगा, उसका दिल छोटा होता चला जाएगा। आज पहली बार उसने मारा है हिम्मत करके, दूसरी बार मारेगा तो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। पहली बार में फिर भी एक झिझक थी, थोड़ा सा उसके मन में एक हल्की सी गंदी फीलिंग आई कि मैंने क्या किया, धीरे 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 उसका दिल पत्थर का हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर होता चला जाएगा। क्या वो आदमी कभी खुश रह सकता है? क्या वो कभी किसी को प्यार कर सकता है? क्या उसके अंदर कोई कंपैशन नाम की चीज रहेगी, खुशी रहेगी, आनंद रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, वो अकेला हो जाएगा पूरी की पूरी दुनिया में,
धीरे 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 इसके अंदर धंसता चला जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कब जाकर के वो फंस जाएगा, और एक दिन इतनी देर हो जाएगी कि पूरी की पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ होगी, वो अकेला आदमी एक तरफ खड़ा होगा। बड़े से बड़े क्रिमिनल को देख लो, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसे ही हुई ना, एक गलत इंटेंशन से, एक गलत मूवमेंट से। उस मूवमेंट में जब वो चाहता तो अपनी इंटेंशन को कंट्रोल कर सकता था, एक बार वो हो गया, अब तो भैया माइंड ट्रैवल करना शुरू हो गया है गलत डायरेक्शन में। अब चाह करके भी उसको बदला नहीं जा सकता जब तक कि कोई बहुत बड़ी फोर्स आकर के उसको बदल ना दे। उसके अंदर से ही आएगी वो भी फोर्स, बाहर से नहीं आ सकती। बाहर से कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। किसी क्रिमिनल को ये नहीं बोल सकती कि तू ये मत कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एडिक्शन है किसी भी तरह की, चाहे वो शराब की है चाहे सिगरेट की है, तो दुनिया की कोई ताकत उसकी सिगरेट छुड़ा नहीं सकती जब तक कि उसको अंदर से ना आए कि मुझे छोड़ना है। और जब तक नहीं आया तब तक वो सिगरेट बढ़ती जाएगी। शुरुआत होगी एक सिगरेट से, फिर दो, फिर चार, फिर दस, फिर बीस, फिर पैकेट्स खत्म होने लग जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और फिर हम देख करके कहेंगे देखो यार ये क्या कर रहा है, चेन स्मोकर है। देखो उस चेन स्मोकर की शुरुआत कहां से हुई, कौन सा वो पहला पॉइंट था जहां पे उसको रोका जा सकता था। और दूसरी तरफ से देखो उस आदमी को जिसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, जिसका मन साफ है, जिसका दिल बिल्कुल एक बच्चे के जैसा है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। इस लॉ ऑफ कर्मा को अगर समझना है तो सिंपल सी चीज है, लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट अबाउट पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन एल्स कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हुआ उसकी वजह से हुआ, बुरा हुआ उसकी वजह से हुआ, एक्सीडेंट हुआ मेरा बच्चा बच गया भगवान की कितनी कृपा है, मेरा बच्चा मर गया हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया था। ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल दें। लॉ ऑफ कर्मा का असली मतलब ये है, जहां से ये पैदा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा, कि हम सब अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ अपने तक नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए। जहां आपने इतना सा भी कुछ गलत किया, आपकी इंटेंशन इतनी सी भी गलत उठी, तो उसका असर सिर्फ आप पे नहीं आएगा, ऐसे भोले भाले मासूम पता नहीं कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं जिनके ऊपर आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कहां से कैसे आएगा। आई गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, रियल लाइफ। घर में आप पूरे दिन बैठ करके न्यूज चैनल देखते रहे, बैठे हुए हैं और नेगेटिव से नेगेटिव खबरें देख रहे हैं, पूरे दिन न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और नेगेटिव से नेगेटिव खबरें पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब इतना सब नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं तो क्या होता है एंड में, ऑटोमेटिकली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भैया इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, बेड़ा गर्क, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है, सब चोर है, सब बकवास है। इन सब बातों से क्या हुआ, आपके अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, गुस्सा बढ़ा। वो गुस्सा कहां निकला, कहीं तो निकलेगा ना, यही आपका कर्म है। वो गुस्सा आपने अपनी वाइफ के ऊपर जाकर के निकाल दिया। अब क्या हुआ, कहानी यहां तक खत्म होती है क्या? हम सब जुड़े हुए हैं, एक बॉडी है, अलग अलग बॉडीज नहीं है। ये मत समझो एक उंगली एक बॉडी से अलग है, वो उंगली उस बॉडी का ही हिस्सा है। जो बॉडी में होगा उसका असर उंगली पे होगा, और जो उंगली करेगी उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होगा। जो एक आदमी करेगा उसका असर पूरी दुनिया पे होगा, और जो पूरी की पूरी दुनिया कर रही होगी जैसी उनकी सोच होगी उसका असर उस एक आदमी पे होगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते। अलग अलग करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो अब क्या हुआ, वो जो वाइफ है जिसके ऊपर आपने गुस्सा किया, उसने क्या किया, घर से बाहर गई गुस्से में और जा करके तेज गाड़ी चला रही है, गुस्सा आएगा कहीं तो निकलेगा। और रोड के साइड में एक बेचारा छोटा सा बच्चा, मासूम सा, अपने स्कूल से घर आ रहा था बैग टांग करके स्कूल ड्रेस में, रोड के साइड में चल रहा था, रोड के ऊपर भी नहीं, और वो गाड़ी जा करके सीधा उस बच्चे से टकरा गई। क्या कर्म है इस बच्चे का बताओ। तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अलग अलग नहीं है, जब तक ये सोचते रहोगे तब तक ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा। जिस दिन आपको अंदर से ये रियलाइजेशन आ गया, मतलब कि माना नहीं ये जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को अपने अंदर जा करके जान लिया कि हम सब एक ही हैं, तो आपको किसी से प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। हम सब एक ही बॉडी हैं, आप और मैं अलग नहीं हैं। ये मान लो कि उस एक के जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उस एक के ही करोड़ों अरबों हाथ हैं, जिसके थ्रू काम हो रहा है, और वो हाथ पैर आप हो और मैं हूं। ये क्या
एक हाथ ने भी कुछ गलत किया तो उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है, एक हाथ ने कुछ अच्छा किया उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है। एब्सोल्यूटली सिंपल, सारा खेल इंटेंशंस का है। तो मैं एक और आपको एग्जांपल दे करके और उसके बाद में आई जस्ट समिट अप। अभी आप लोग इमेजिन करो यहां पर एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब बात करते हैं सुख दुख की, सुख दुख कैसे होता है। इंडिया पाकिस्तान का यहां पर मैच चल रहा है और आप लोग देख रहे हो। अब इसमें तीन तरह के लोग हैं, ऑडियंस में तीन तरह के लोग हैं। एक है जिनकी देखने की इंटेंशन ये है कि इंडिया जीतनी चाहिए, एक है जिनका देखने की इंटेंशन ये है कि इंडिया हारनी चाहिए, मतलब कि पाकिस्तान जीतना चाहिए, और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके लिए हार जीत एक जैसी है, वो सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं, कर्म तीनों कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन से कर्म बांधते हैं और कौन से कर्म आजादी की तरफ ले जाते हैं। एक है आप बंध रहे हो, एक है आप आजाद हो रहे हो, एक है आप डर रहे हो, एक है आप फियरलेस हो रहे हो। तो खेल क्या है? यहां पर तीन तरह के लोग हैं ऑडियंस में। एक है जिसने इंडिया के ऊपर दाव लगाया हुआ है, एक है जिसने पाकिस्तान पे दाव लगाया हुआ है, एक है सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर इंडिया जीता तो जिसने इंडिया के ऊपर दाव लगाया था, जिसकी इंटेंशन ये थी कि इंडिया जीतनी चाहिए, वो खुश होगा या परेशान होगा? खुश होगा। और जिसने दाव लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जीतनी चाहिए और पाकिस्तान हार गया, तो वो खुश होगा या उदास होगा? उदास होगा, दुखी होगा। तो ये सुख दुख क्या भगवान की वजह से हो रहे हैं, किस्मत की वजह से हो रहे हैं, किसी मिस्टीरियस लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रहे हैं, या आपके जो खुद के डिजायर्स हैं, आपकी खुद की इंटेंशंस हैं, आपके खुद के अटैचमेंट्स हैं, जिस आउटकम से आप अटैच हुए पड़े हो उसकी वजह से हो रहे हैं? सोचो कि आपको जो सुख मिला, जो दुख मिला, उसकी जड़ क्या थी? सिचुएशन नहीं थी। लोग उठा करके ब्लेम डाल देते हैं सिचुएशन पे, इंडिया हारी इसलिए मैं परेशान हुआ, जबकि जड़ ये नहीं थी। जड़ ये होती तो सबके लिए एक जैसी होती। जैसे कि एक साइंस है कि आग में जाओगे तो जलोगे, तो वो लॉ सबके लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। तो हुआ क्या कि ये जिसने भी अपने ये डिजायर्स बनाए, ये अटैचमेंट बनाई आउटकम के साथ में, वो बंधन में है, वो दुखी। और तीसरी कैटेगरी इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या कैटेगरी है? खेल। कि अगर आप बैठ करके आराम से खेल को एंजॉय कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, कोई जंग नहीं है, बल्कि जंग ना हो इसलिए खेल हो रहा है। खेल है, खेल है, और आप बैठ करके उस खेल को एंजॉय कर रहे हो, मजे से देख रहे हो, कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुक्त, तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त। जब भी आप आउटकम से अटैच हुए तो आप दुखी हो रहे हो, किसी और की वजह से नहीं, खुद उस आउटकम से अटैच होने की वजह से जो आउटकम आपको चाहिए। तो अगर वो आउटकम आपको नहीं मिला तो आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, वो आपकी है। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको समअप करना हो तो क्या है? एब्सोल्यूटली सिंपल, अगर ये जिंदगी एक खेल है तो इस खेल के अंदर क्या मैं एक के बाद एक दाव लगाता ही चला जा रहा हूं, अपने डिजायर्स को बढ़ाता ही चला जा रहा हूं, और इन डिजायर्स के पूरे ना होने की वजह से खुद ही दुखी होता चला जा रहा हूं और ब्लेम किसी और पे डालता चला जा रहा हूं, या फिर खेल को खेल की तरह खेल रहा हूं और जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उसको साइड में करके आगे बढ़ रहा हूं, एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहा हूं। योग जिसकी लोग बात करते हैं, योगा का मतलब आज क्या बन गया है? पोस्चर्स, कि बैठ करके आप आसन लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे ये नहीं है योग भाई, दिस इज नॉट योग। योग का मतलब है यूनियन। जिस काम को आप कर रहे हो, जब उस काम में पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो जाओ बिना आउटकम की परवाह किए, उसको योग बोलते हैं, उसी का नाम कर्म योग है। मतलब योग कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, कर्म की कुशलता का नाम योग है। मतलब कि अगर आप एक काम को कर रहे हो पूरे के पूरे परफेक्शन के साथ, पूरी एक्सीलेंस के साथ, पूरे ध्यान के साथ,
और वो कब कर सकते हो? खेल को आप एंजॉय कब कर सकते हो? जब आपने दाव ना लगाया हो। इतनी सिंपल। जिसने दाव लगा दिया वो क्या एंजॉय करेगा खेल को? वो क्या एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? वो नहीं कर सकता, वो बन जाएगा, वो डर जाएगा, उसका लालच ही उसको बांध देगा और उसको पता ही नहीं लगेगा, वो खुद फंस जाएगा अपने जाल में जा करके। देखो क्या है, कितना सिंपल है। उठा करके हम ब्लेम डाल रहे हैं किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहां है किस्मत? आपने दाव लगाया जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो। जिंदगी के खेल को खेल की तरह देखो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। रियलिटी को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अटैच हो रहे हैं उनसे जिन्होंने जाना ही जाना है। अगर आप जड़ से देखो, इस कर्मों के और इस फल के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या रास्ता है? थियोरेटिकली नहीं निकल सकते। जब तक आपकी अटैचमेंट्स रहेंगी चीजों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में या लोगों के साथ में, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अटैचमेंट कब तक रहेगी? जब तक ये गलतफहमी रहेगी कि मैं उससे अलग हूं, तभी तो आप उस पर कब्जा कर सकते हो। गड़बड़ क्या हो रही है? हमने अटैचमेंट का मतलब प्यार समझ लिया है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको यह गलतफहमी हो गई है कि अगर हम अटैचमेंट्स को छोड़ दें, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं, उसमें से भी 99% लोग, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा, ये सब छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा तो मेरी सारी अटैचमेंट छूट जाएंगी। जबकि ये नहीं है अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब। अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब, असली मतलब ये है कि इस दुनिया में रहना है, इस युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं है डर करके, इस युद्ध में रहना है, मरते दम तक लड़ना है, और लड़ते लड़ते हार और जीत की अटैचमेंट्स को छोड़ना है, माइंड के लेवल पे छोड़ना है। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस के, अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, जो भी कुछ अंदर है वो सबको लुटा देना है। सब कुछ, कुछ भी नहीं रखना अपने अंदर, इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लानी। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी अटैचमेंट होगी मेरी वाइफ के साथ में तभी हम साथ में रह सकते हैं, जबकि ये बकवास है। जहां अटैचमेंट है वहां प्यार नहीं है। अटैचमेंट के साथ क्या खड़ा होता है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का पूरा भंडार कि मेरी वाइफ है तो मेरी इससे ये एक्सपेक्टेशंस है। एक भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़ा, मार काट, गुस्सा, डिवोर्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की जड़ क्या है? अटैचमेंट। अरे भाई, प्यार करने के लिए, प्यार से, खुशी से, अंदर से झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए आपको अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। अभी कुछ महीने बाद बारिशों का सीजन आने वाला है। बैठ करके आराम से बारिश को देखो, बारिश की एक एक बूंद को फील करो अपने हाथ के ऊपर। हाँ, पानी को देखो किस तरीके से पड़ रहा है। या जब प्यास लगी हो ना, पानी मत पियो दो दिन तक, या दो दिन में तो चलो मर जाओगे। जब प्यास लग रही है उसके 6 घंटे तक भी पानी मत पियो, एक पूरा दिन पानी मत पियो, 12 घंटे तक पानी मत पियो, उसके बाद धीरे धीरे उस पानी को पियो। प्यार हो जाएगा आपको पानी से और पानी को आपसे। वो पानी क्या लगता है आपका? वो पानी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, कौन है वो पानी आपका? कोई नहीं है भाई, वो प्यार है। किसको प्यार बोलते हैं? वो प्यार है। ये जो धरती कर रही है हम लोगों के साथ में, ये प्यार है। जो हम धरती के साथ में कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो तो मतलब है। वो प्यार है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इस धरती में आप जो चाहे वैसे बीज बोलो, जो चाहे वो कर लो, धरती कुछ नहीं कहने वाली। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे, सब यही कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, सब उसी का रूप है। तो उनको और कुछ आता भी नहीं है, वो बदले में कुछ मांग भी नहीं सकते, किसी का ना कुछ अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पानी तो सबके लिए एक जैसा है ना, चाहे उसको कोई क्रिमिनल जा करके पिए या कोई बहुत ही बड़ा महात्मा पिए, पानी तो पानी है, पानी को तो दोनों से प्यार है। रियलिटी को एज इट इज देखना है, अपने चश्मों को हटा करके। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या होता है? परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, करते हैं, ये है वो है। पड़ोसी के यहाँ हो जाए तो
यार जाना पड़ेगा फिर से वहाँ पर, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे लगेगा कि जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो वो ट्रैक सही है गलत है? बहुत सिंपल है। जिस दिन अपने पड़ोसी को दुखी देख करके आपके दिल में दर्द होने लगे, किसी को भी दुख में देखा, किसी को भी दर्द में देखा, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, आपके दिल में दर्द होगा। और जब किसी को सुखी देखोगे, खुश देखोगे, बच्चों को खेलते हुए देखोगे, किसी को उड़ते हुए देखोगे आसमान में, कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए देखोगे, फूल को खिलते हुए देखोगे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां आराम से बैठे हुए होगे, आप खुश हो जाओगे।